सर आज के दिन दिखते हैं तो मैं हूँ, फिजिक्स वाला सर हैं, दो तीन बंदे और हैं जो कि ठीक कंटेंट डाल रहे हैं, वो हैं, हम हैं उनके सबसे बड़े दुश्मन। जिस चीज़ के वो लाखों चार्ज करते हैं हम फ्री में देने को तैयार हैं, हम हैं उनके दुश्मन। तुम्हें लगता है वो जुड़ेंगे हमारे साथ? जनाब अगर आपको रियलिटी नहीं बताता तो बता देता हूँ, अगर आपका एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, आप 10 रुपये लेते हो बच्चों से और बगल में एक इंस्टीट्यूट खुलता है जो 5 रुपये लेता है, जनाब उसका रहना मुश्किल कर दिया जाता है। चाहे पुलिस हो गई, MCD हो गई, हर बंदे द्वारा दमकाया जाता है उन्हें। हम तो वो व्यक्ति हैं जो 5 नहीं 0 में देने की सोच रहे हैं। तो कई लोगों का काम होता है सिर्फ उसको गिरा दे। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने रायता पिलाया वो यही कोशिश करती है, गिरा दे, इसको भी गिरा दो, उसको भी गिरा दो, इसका टीचर पकड़ लाओ, उसका टीचर पकड़ लाओ, लाख रुपए दे रहा, 2 लाख ले आओ, 3 लाख ले आओ, 4 लाख ले आओ, मर्सिडीज देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे यार क्या भसड़ मचा रखी है भाई, क्यों इतना फालतू पैसा, कहाँ से आया है पैसा, कितना क्यों बवाल मचा रखा है पैसों का, समझ से परे है, और टीचर भी नहीं सोच पा रहे कि क्या हो रहा है ये। तो ये जो नाम है ना लेट्स क्रिकेट, हटा दो उसको, लेट्स डिस्ट्रॉय द टीचर्स लाइफ, ऐसा कर दो। आज मैं खुल के बोल रहा हूँ वेदांतु प्लेटफॉर्म, तो क्या हो गया, हम लोगों ने बराबर शुरुआत की थी अलग पांडे और मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोला जिंदगी में, और मेरी उससे 2 बार बात हुई है, मैंने उससे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, मतलब ही इज रियली गुड पर्सन एज वेल, और ऊपर वाले की कृपा है कि हम दोनों ही अभी YouTube पे अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एंड ही इज डूइंग रियली गुड। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं अलग पांडे को देखता हूँ कि व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। और इसी को बोलते हैं यार स्पिरिट, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ऑर्गेनाइजेशन की गलती मानता हूँ, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब रायता फैला के रखा है। आप ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, और वो हर टीचर के साथ ऐसा ही करती है, पहले कॉल करेगी, ओके 10 गुना ऑफर, हम आपको 10 गुना देंगे, फिर उसके बाद क्या कहेगी, आप बस सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन का फोन ही मत उठाओ, काट दो फोन ही मत उठाओ, ऐसे करके वो खुद ही ऐसा बोलते करने। मैंने काफी टीचरों से सुना है और ये बात सच भी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप इस मतलब एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं ये, मतलब क्यों इतनी गंदगी फैला के रखी हुई है, क्या हो जाएगा ये, क्या किस रैट रेस में भगा के रखा आपने टीचर्स को। जिस दिन ये कोरोना बंद हुआ, कोरोना की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जो फिजिकल क्लासेस खुलेंगी, तो आपको कौन पूछेगा, ये लोग नहीं सोचते। और वो इतना बड़ा बड़ा ऑफर दे रहे हो यार, ये बच्चे अभी निकले भी नहीं है, थोड़ा इनको अपने पाँव पे खड़ा तो होने दो। इसलिए मैं अलग के साथ हूँ मैं, और मैं इस चीज़ को, मैं अलग को फेवर करता हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं बिल्कुल, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से उन्होंने छोड़ा, पर मुझे पता है कि अलग बाउंस बैक करेगा, अलग इज़ रियली गुड, मतलब आई लव यू ब्रदर, मतलब दिल से मेरे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ, और बस इतना कहता हूँ कि एक भाई तुम्हारा यहाँ पे है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, देखो वैसे तो तुम इंडिपेंडेंट हो, मेरी तो तुम्हें क्या ही खासी ज़रूरत है, बट फिर भी हम हमेशा साथ हैं, एज अ यूट्यूबर बोल रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तो डेफिनेटली हम लोग साथ हैं, और मैं YouTube में चाहता हूँ, स्पेशली जो लोग YouTube से फेम कमाना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, प्लीज़ आप ऑर्गेनाइजेशन की भावनाओं को, ऑर्गेनाइजेशन को समझो कि उनके मोटो क्या है आपको लेने की। कई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ भसड़ मचाना चाहती हैं, सिर्फ दही का रायता करना चाहती हैं, और कुछ नहीं है उनका मकसद। वो ये कहती हैं कि हम लोग सारे स्टार एजुकेटर्स को लेके आएंगे, लाओ सर जी लाओ। मैं ये कहूँगा आपसे, पहले तो उनसे सच्चाई बुलवाओ, पहले तो उनको बोलो कि आप प्लीज़ ढंग से रेजिग्नेशन दे के आओ पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा मत करो। दूसरा, आपको स्टार लाने की बजाय स्टार बनाने चाहिए, जो वेदांतु करता है। स्टार लाने की जगह स्टार बनाओ सर, किसी अननोन पर्सन को उठाओ, उसे ट्रेंड करो, उसे स्टार बनाओ। प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पर वेदांतु स्टार बना रहा है, वहाँ पर अलग स्टार बना रहा है, पता लगता है जिस दिन वो स्टार बन गए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, 10 गुना देंगे जी, हम स्टार लेके आएंगे। What is this nonsense going on right now? I have no idea. मतलब बिल्कुल acceptable नहीं है education industry में। अगर ना teachers maturity नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? और इसमें teachers से ज़्यादा उस organization की गलती है जो teachers ऐसा काम करवा रही है। उस मैम की गलती मैं मानता हूँ कि 50% ये 50% तो उस organization की गलती है। ये हमारे जो बच्चे होते हैं जिनको हमने बहुत प्यार से पाला है, मैं बहुत प्यार करता हूँ आज भी, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और
ठीक है जो हो गया मैं समझता हूँ उस चीज़ को, बट ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है ना यूट्यूब पे उसकी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, बहुत इज्जत वाले हो आप, बहुत रिस्पेक्ट वाले हो आप, हम आपको सल्यूट करते हैं। बट द थिंग इज प्लीज़ आप समझिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ऐसा कर रहे हैं कम से कम थोड़ा सोच लिया होता उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो आज आप तक यहाँ आप यहाँ तक नहीं पहुँचे। अगर अलग नहीं होता तो मैं गारंटी देता हूँ, अलग नहीं होता तो इतनी जल्दी उस मैम का तो नाम नहीं होता, ये तो मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ। तो थोड़ा फीलिंग एज अ ह्यूमन बींग, इंसानियत के नाते आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही, और अलग वी आर विद यू, डोंट वरी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और भगवान ऊपर वाला बस यही दुआ है हमारी कि तुम बहुत अच्छा करो और बस हम लोग साथ में बढ़ेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है, सब अच्छा ही होगा और सब अच्छा होता है। जब बड़ा अच्छा लगा आज उसने बोला कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं, यू नो, मैं एक अलग ले जाओगे तो मैं 100 अलग पैदा कर दूंगा, दैट्स रियली कूल, बहुत अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ ना कि हमें ऐसा जज्बा, ऐसा जोश होता है, मोटिवेशन वाली चीज़ें होती है, और आप पता है ए टू मोटिवेशन में ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है, ऐसे कोई बोलता है ना तो कई लोगों का काम होता है सिर्फ उसको गिरा दें, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने रायता मिलाया वो यही कोशिश करती है गिरा दे, इसको भी गिरा दो, उसको भी गिरा दो, इसका टीचर पकड़ लाओ, उसका टीचर पकड़ लाओ, 1,00,000 दे रहा, 2,00,000 दे आओ, 3,00,000 ले आओ, 4,00,000 ले आओ, मर्सिडीज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, अरे यार क्या बसड़ मचा रखी है भाई, क्यों इतना फालतू पैसा, कहाँ से आया है पैसा, कितना क्यों बवाल मचा रखा है पैसों का, समझ से परे है, और टीचर भी नहीं सोच पा रहे कि क्या हो रहा है ये। कि वो IIT के कोटा के टीचर थे, उनको ये सपने दिखाते हैं, सर आप आ जाओ आपको 1,00,000 का पैकेज देंगे, कोई भी टीचर क्यों नहीं आएगा भाई, सबको पैसे कमाने होते हैं, सबको अपना घर चलाना होता है, उन्होंने कोटा छोड़ दिया लॉकडाउन से पहले, बेचारे कोटा छोड़ दिए कि मैं यहाँ पर आकर क्या अकेडमी में पढ़ाऊंगा जब मुझे 2 घंटे का इतना अच्छा मिल रहा है मंथ का, तो फिर क्या किए लोग उनके साथ, सर आप अपने चैनल पर प्रमोट करो, बंदा नहीं किया, वॉच टाइम उनका घटा, फिर ये उस टीचर को दिखाएंगे नहीं कहीं पे, ना मार्केटिंग में दिखाएंगे, ना एप्लीकेशन में दिखाएंगे, कहीं नहीं दिखाएंगे, टीचर को ब्लैंक कर देंगे पूरी तरह से, ताकि टीचर मेंटली मर जाए यार। तो ये जो नाम है ना लेट्स क्रैक इट, हटा दो उसको, लेट्स डिस्ट्रॉय द टीचर्स लाइफ, ऐसा कर दो। अनअकैडमी सुन लो, अगर हिम्मत है ना गौरव मुंजाल सर तो फोन करना मुझसे, आपके सवाल मेरे जो सवाल होंगे उसके जवाब आपके पास नहीं होंगे, ऐसे ऐसे 3-4 सवाल आपके सामने पूछूंगे। मत खेलो यार टीचर की लाइफ के साथ, मत खेलो, बहुत मुश्किल से एक टीचर आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है, मेहनत करता है यार, मत करो ये। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.